रखे, इतना छोटा सा टुकड़ा खिला रहे, तो एप्पल का बड़ा पीस खिलाइए ना, बहुत भूख लगती है हमें। हाँ भाई वेदांत, अच्छे से खिलाओ हमारी बहन को, उसका पेट भरेगा तभी तो हमें चैन मिलेगा। हाय, दिस इज प्रगति चौरसिया एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन टेली रिपोर्टर। तो जैसे कि आप जानते हैं कि तीज का सीक्वेंस चल रहा है और तीज का व्रत जो होता है, एक औरत एक सुहागन अपने सुहाग के लिए करती है और पूरे दिन वो व्रत करती है और पूजा करती है। फिर उसके बाद में जब व्रत खोलने का समय आता है तो वो टाइम पे वो, एक मिनट, मैंने वेदांत की आरती कब उतारी? सिर्फ थाल रखी मैंने साथ में जिसमें दिया जला हुआ था, उसकी आरती नहीं उतारी मैंने। उसने मुझे लेकिन उसी थाल में से पानी पिलाया, मेरा व्रत खोला, मुझे फ्रूट्स खिलाए और हाँ, पूजा हुई, आरती हुई, वो सब हुआ। आरती नहीं उतारी उसके, पैर छुए मैंने उसके। वो मुझे भी नहीं पता कि कोयल के पैर में चोट लगी कैसे, मैं उसको एक्सपेक्ट तो कर नहीं रही थी। मैं प्रभा जी को एक्सपेक्ट कर रही थी तीज में, बिकॉज मैंने कुछ प्लान किया था, लेकिन मैं वेट ही कर रही हूँ कि प्रभा जी आएंगी आएंगी, वो आई नहीं। पूरा तीज का फंक्शन हो गया और फिर अचानक से मैं कोयल को देखती हूँ, लंगड़े हुए आ रही है वो। तो मैं वही पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये अभी चालाक औरत, मेरा व्यू जाएगा अभी कि ये चालाक औरत यहाँ क्या कर रही है और ये इस हालत में क्यों है, और प्रभा जी काहे को, कहीं वो किसी डेंजर में तो नहीं है। थोड़ी नहीं, बहुत मस्ती हो रही है क्योंकि मैं पिछले 3-4 दिनों से डे नाइट किए जा रही हूँ। सुबह जल्दी कॉल टाइम, रात को 2-3 बजे पैकअप होना, बाकी सारे लोग चले जाते हैं तो मैं फुल स्लीप डिप्राइव्ड हूँ। मैं जब स्लीप डिप्राइव होती हूँ या तो पूरी नींद में होती हूँ या तो फिर हाइपर एक्टिव होती हूँ, और मैं फ़िलहाल हाइपर एक्टिव, किसी तरीके से एनर्जी बनी रहे सेट पे, एंटरटेनमेंट होता रहे सबका। और इतने बड़े सीन्स जब होते हैं, इतने सारे लोग होते हैं, इतने सारे अच्छे लोग होते हैं, तो मस्ती तो ऑफकोर्स होती ही है, काम भी होता है, मस्ती भी होती है। तो आप देख ही सकते हैं कि कितना मज़ा आ रहा है। और आई थिंक सेट पे कुछ एक्टर्स है, कुछ लोग हैं जिनके साथ में मेरा रैपो बहुत अच्छा हो गया है, तो हम समझते हैं कि एक दूसरे का ह्यूमर कैसा है। अगर सीन में भी है हम लोग और किसी ने रिहर्सल के वक्त किसी ने कुछ बोला, और इवन इफ मी एंड दैट पर्सन इज़ नॉट लुकिंग एट ईच अदर, हम फिर भी हंसेंगे, फिर हम दोनों एक दूसरे को लुक देंगे और फिर हंसेंगे, बोला सेम चीज़ है, मुझे भी स्ट्राइक हुआ। तो मस्ती तो बहुत करते हैं हम लोग, मज़ा तो आता है बहुत। फैंस के लिए यही कहना चाहेंगे कि बहुत सारा ड्रामा आ रहा है, सच में बहुत सारा ड्रामा आ रहा है हमारे पास में सारे जो, और आई थिंक साल का जो सेकंड हाफ होता है बैक टू बैक फंक्शंस होते हैं, तो अभी कुछ टाइम पहले हमने एक फंक्शन मनाया, अभी हम एक फंक्शन मना रहे हैं, आगे और फंक्शन आ रहे हैं, और हर फंक्शंस में कूट कूट के ड्रामा भरा हुआ है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अभी देखेंगे एपिसोड्स में, सीन्स में, और आपको मज़ा आएगा, आई होप मज़ा आए, और देखते रहिए सुहागन।